कैसे तुझे से हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद रॉक्सी में। तो दोस्तों, आज फिर से दो दिन के बाद मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूं और ये सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 8:30 का टाइम हो रहा है दोस्तों। और ये रही अपनी रॉक्सी, ये बिल्कुल ओपन खोली हुई है, इसको अच्छे से खेल रही है, घूम रही है, फिर रही है। और अब दोस्तों रॉक्सी का अपडेट दे देता हूं मैं आपको, ये बिल्कुल रिकवर हो चुकी है, अच्छे से खाना पीना खा रही है, अच्छे से घूम रही है, फिर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बीमार नहीं है। तो गाइस आपको मैं अपडेट बता दूं कि मेरा दो दिन से ब्लॉग इसीलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मेरे जो दादाजी थे वो कैंसर की बीमारी से लगभग 8-10 महीने से पीड़ित थे। तो फाइनली वो हमें छोड़कर चले गए। उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी कैंसर से, बहुत लड़ाई लड़ी, वो लगभग 8-10 महीने तक बीमार रहे। हमने उनका बहुत इलाज कराया, बहुत ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन कहीं से कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आया। फाइनली वो हमें छोड़कर चले गए गाइस, इसीलिए मेरा दो दिन से व्लॉग नहीं आ रहा था। तो गाइस व्लॉग के साथ बने रहेगा क्योंकि मैं शाम को वही खेतों में लेके जाऊंगा अपनी रॉक्सी को, उधर ही घुमाएंगे अच्छे से। और तो गाइस मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हूँ क्योंकि मुझे अचानक से रियलाइज हुआ है कि आज मंगलवार है और मैं मंगलवार के दिन इटावा बालाजी जाता हूँ। तो गाइस अचानक से मैंने सोचा कि चलो क्यों ना, आज मंगलवार भी है तो हम माता टेक आते हैं, थोड़ा मूड भी फ्रेश हो जाएगा और हम थोड़ा बहुत घूम भी लेंगे। तो गाइस मिलते हैं आपको सीधा इटावा बालाजी के। तो गाइस फाइनली 30 मिनट के रास्ते को कवर करके हम आ चुके हैं इटावा बालाजी के, यहाँ पे पहुंच चुके हैं। देखिए चारों तरफ दुकानें ही दुकानें हैं जहाँ से हम प्रसाद वगैरह ले सकते हैं आराम से, कोई इशू नहीं होगा। और गाइस यहाँ पे देखिए साइड में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जहाँ से बहुत जोर से आवाज़ आ रही है, चारों तरफ दुकानें ही दुकानें हैं। तो गाइस ये रहा हमारे बालाजी का मंदिर, देखिए सामने आपको जूम करके दिखाता हूँ कितना प्यारा मंदिर है गाइस। तो हम अंदर चलते हैं और अंदर आ चुके हैं गाइस अभी फिलहाल। और ये देखिए साइड में यहाँ पे अगरबत्ती स्टैंड है, यहाँ पे आप आराम से अगरबत्ती लगा सकते हो गाइस। और जो रास्ता जा रहा है ना, ये जा रहा है यहाँ पे हम घी वगैरह जो चढ़ाते हैं ना धूनी में, वहाँ पे जा रहा है। तो गाइस हम आ चुके हैं यहाँ पे, अब यहाँ से हम नारियल फोड़ते हैं और घी को और अगरबत्ती प्रसाद वगैरह को यहाँ पे चढ़ाते हैं गाइस, इसके बाद में हम चलेंगे मंदिर में। तो गाइस फाइनली हम यहाँ से फ्री होके मंदिर जा रहे हैं और जो हमारा मंदिर रहा यहाँ पे हमने प्रवेश किया है। देखिए अंदर बहुत अच्छा, कितना ही प्यारा बनाया हुआ है मंदिर को, यहाँ पे ज्योति का काम है। और देखिए ये ऐसा मंदिर है जहाँ पे कोई मोबाइल वोबाइल सब अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कैमरा का कोई इशू नहीं है, आप आराम से यहाँ पे ब्लॉग कर सकते हो, आराम से यहाँ पे फोटोशूट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं गाइस। तो चलते हैं दर्शन करते हैं बालाजी के। तो गाइस ये देखिए सामने, आपके सामने ये मूर्ति है यहाँ। तो गाइस फाइनली हम बालाजी मंदिर से वापस आ चुके हैं घर पे, और घर पे आते देखा तो रॉक्सी थोड़ी ऐसे पड़ी हुई थी, तो उसको थोड़ा पानी दिया, फिर उसको थोड़ा सा खाना दिया क्योंकि मुझे टाइम लग गया था, लगभग 1 बज चुकी है। तो गाइस वहाँ पे है ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, बहुत जोर जोर से आवाजें आ रही थी, ऊपर से भीड़ भी थी, तो मैंने वहाँ पे ब्लॉग शूट नहीं किया। मैंने छोटी छोटी क्लिप्स बनाई थी जो मैंने ऐड कर दिया ब्लॉग में, आपने देख ही ली होगी। तो गाइस इसको कोऑपरेट करना, नेक्स्ट टाइम जाऊंगा ना अच्छे से ब्लॉग बनाऊंगा, बहुत अच्छा ब्लॉग बना के आपको दूंगा गाइस, वहाँ पे बहुत अच्छे देखने के लिए। और अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो जब वो कंप्लीट हो जाएगा ना पूरा, तो सबसे बेस्ट वहाँ पे देखने का नजारा होगा गाइस, तो आपको फिर दिखाऊंगा कितना अच्छा है, प्यारा लगता है। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है लगभग 5:45 बजे का, और अभी तक तो बहुत ज्यादा धूप है, बहुत ज्यादा दिन है, अभी ज्यादा टाइम हुआ नहीं है। मैं सोच रहा था कि रॉक्सी को उधर खेतों में लेके चलता है क्योंकि टाइम हो चुका है, बट अभी तो बहुत धूप है ना, तो ये बिल्कुल थक जाएगी, इसके साथ चढ़ जाएगी, इसलिए इसको अभी लेके नहीं जा रहे गाइस, थोड़ा सा लेट चलते है। तो अभी देख लीजिए हमारे सारे जानवर खाना खा रहे हैं, अच्छे से इनको चारा दिया था वो अच्छे से खा रहे हैं गाइस, सारे के सारे देखिए खाने में लगे हुए। और देखो गाइस ये रहे हमारी रॉक्सी, देखो अभी ये यहाँ पे बैठी है छांव में, तब भी इसकी सांस चढ़ी हुई है, तो इसको इस टाइम पे हम खेतों में लेके नहीं जा सकते क्योंकि अभी तक देखिए बहुत ज्यादा धूप है, बहुत ज्यादा धूप निकली हुई है गाइस, तो अभी इसको खेतों में लेके नहीं जा सकते। तो इसको लेके चलेंगे तकरीबन हम 6:15-6 बजे के समथिंग, जब तक धूप नहीं रहेगी ना, तो अच्छे से इसको खेतों में घुमा लेंगे और उसी टाइम पे लेके जाएंगे, तो ज्यादा इसकी सांस नहीं चढ़ेगी गाइस खेतों में, बिल्कुल ओपन माहौल में। और मैंने रॉक्सी को बिल्कुल ओपन छोड़ दिया है आते ही। और इधर देखिए सनसेट का कितना ही प्यारा व्यू आ रहा है, देखिए सुनहरे सुनहरे गेहूं के ऊपर से बिल्कुल लाल लाल सनसेट, कितना ही प्यारा लग रहा है गाइस ये। और गाइस देखिए हमारी रॉक्सी बिल्कुल ओपन घूम रही है, कोई गम नहीं है गाइस ये, इस लगभग आज दो दिन बाद में खेतों में आई है, और देखिए इसकी खुशी चेक करने वाली खुशी है गाइस। आपको दिखाते हैं हम गेहूं की फसल, कितना टाइम लगेगा इसको, कितना नहीं लगेगा। तो देखिए गाइस ये गेहूं की फसल है, ये तकरीबन ये पक चुकी है, मान के चलो कि ये 10 दिन में कटाई पर आ जाएगी गाइस। इधर ये बीच में मेड है गाइस, और ये अलग खेत है, ये मेरे चाचा का है, तो इसमें जो है और जो की भी बहुत अच्छी अपडेट है। और गाइस शाम का टाइम और हम यहाँ पे घूम रहे फिर रहे, अच्छे से टहल रहे, मुझे बहुत मजा आता है इसे सनसेट के साथ में घूमना फिरना क्योंकि ज्यादा धूप भी नहीं है ना, तो अच्छा लगता है। और ये अपनी लुल्लू सी देखो गेहूं में घुस गई, रॉक्सी आ जा बाहर निकल, देखो गाइस पता नहीं क्या ढूंढ रही है ये गेहूं में, पागल सी, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा रॉक्सी, जा कम 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 जा आ जा आ जा। देखे गाइस मैं सोच रहा था ये अच्छे से खेल लेना एक बार, फिर कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा थका के फिर घर ले जाएंगे, लेकिन आज मेरे पास ना तो बॉल है ना कुछ जिससे इसकी एक्सरसाइज करा सके, तो ऐसे ही इसको ओपन घूमने देते हैं, कोई दिक्कत। गाइस जो शाम का टाइम होता है ना गांव में देखने लायक ही उसका नजारा होता है गाइस, शाम के टाइम पे बहुत अच्छा व्यू आता है गाँव में, एक नंबर व्यू आता है। इधर देखिए फसल सनसेट,
देखिए गाइस चारों तरफ देखिए फसल अच्छी अच्छी। अभी तो थोड़ी क्या है ना कि ये कटाई पर आ गई इसलिए पीली पड़ चुकी है, वरना जब हरियाली होती है ना चारों तरफ देखने लायक व्यू होता है गाइस, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। देखिए गाइस इधर गेहूं, गेहूं के ऊपर से सनसेट मुझे सबसे बेस्ट लगता है। मैं शाम के टाइम ये देखने के लिए बहुत उत्साहित रहता हूं और इसीलिए मैं खेतों में आता हूं ज्यादातर, मुझे बहुत पसंद आता है, बहुत प्यारा लगता है ये। और ये अपनी लुल्लू पता नहीं कहां जा रही है। रॉक्सी आ जा, देखो गाइस मैंने बुलाया और ये चली आई जल्दी से, और देखो बिल्कुल मेरे पास से निकली है, रुकी भी नहीं बस निकल गई। गाइस ये बिल्कुल मेरे पास आके खड़ी हो चुकी है कि मुझे किसी ना किसी चीज से एक्सरसाइज कराओ मेरी, मतलब मुझे खिलाओ। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना तो बॉल है ना कुछ रस्सी वगैरह, कुछ भी नहीं है जिससे इसकी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करा लेते। तो गाइस मैंने फाइनल सोचा है मुझे एक रस्सी मिली है छोटी सी है, तो उसको दिखा के इसकी एक्सरसाइज कराते हैं, ये अच्छे से थक जाएगी ना तो फिर आराम से बैठ जाएगी, फिर इसको घर लेके जाएंगे। गाइस गाइस मेरे पास ये रस्सी है और ये रॉक्सी देखिए बिल्कुल अटेंशन होकर खड़ी है, पता नहीं क्या दिख रहा है इसको साइड में। रॉक्सी आ जा रस्सी से एक्सरसाइज कर, आ जा। देखिए गाइस ले गए एक बार में ही ले गए, ये जंप इसकी बहुत हाई होती है, मेरी जितनी हाइट है ना लगभग 5'8" मेरी हाइट है, उसके समथिंग ये जंप लगा लेती है। तो जितना भी ऊंचा कर लो जितना भी मर्जी इसको छुपा लो, अगर उसको उसकी लाइन से हटाएंगे नहीं ना तो वो पकड़ ही लगी 100%, कोई चांस नहीं है कि वो छोड़ दे। अभी मुझे वापिस देने वाली नहीं है रस्सी को, देखे रुक जा रुक्सी। देखे गाइस बिल्कुल नहीं देने वाली, जितना मैं इसके करीब जाऊंगा ना इतने मेरे से दूर जाएगी ये। देखे 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 रुक जा देखे गाइस वैसे कोई दिक्कत नहीं है इस खेत में, बिल्कुल ओपन है, लेकिन मुझे डर है थोड़ा सा क्योंकि ये जो जगह दिख रही है ना आपको यहाँ पे, यहाँ पे है ना कुआं है, तो ये कहीं खेलते खेलते किसी चीज के पीछे पड़ के कहीं कुएं में ना गिर जाए, इसीलिए मैं इसके साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ, वरना कोई दिक्कत नहीं थी, मैं आराम से वहाँ पे बैठ जाता था, ये आराम से खेल कूद के आ जाती। तो गाइस चलते हैं घर, घर पे मिलते हैं आपको, इसको डाइट देने का भी टाइम हो जाएगा, अभी 7:30 के समथिंग मैं इसको डाइट देता हूँ और 7 बजने वाले हैं, 2-5 मिनट ही कम है। तो गाइस घर चलते हैं क्योंकि इसको थोड़ा बहुत रिलैक्स भी कराना होता है, डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि इसकी एक्सरसाइज कराई इसकी सांस चढ़ी हुई है इसको खाना दे दे, इसमें ये बीमार हो सकती है कुछ दिक्कत हो सकती है, इसीलिए मैं इसको पहले घर ले जाता हूँ आराम से, तकरीबन आधा घंटा इसको रिलैक्स होने देता हूँ फिर इसको डाइट देता हूँ, जिससे अच्छे से खा भी लेती है और इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। गाइस तो इसको 7:30 से पहले पहले मुझे इसको डाइट देनी होती है, तो चलते हैं घर जल्दी से ताकि ये रिलैक्स हो जाएगी और अच्छे से बैठ के आराम से फिर खाना खा लेगी। गाइस तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस।